हेलो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज। आज की बहुत ही बड़ी खबर, मोदी दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। उन्होंने अभी अभी बहुत ही बड़ा बयान दिया है। कहा कोई भी मकान का किराया नहीं दे पा रहा है तो दिल्ली सरकार देगी मकान का किराया। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कंफर्म केस 72 हो गए, यानी 72 हो गए। दो लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली से भारी संख्या में मजदूरों के पलायन के वीडियो भी सामने आए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार अपील कर रही है कि मकान मालिक किराएदारों से महीने के किराए के लिए दिए दबाव ना डाले। अब सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई परिवार मकान का किराया नहीं दे पा रहा है तो उस पर मकान मालिक दबाव ना डाले, दिल्ली सरकार उनका किराया देगी। केजरीवाल ने कहा कि जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है उनके लिए सरकारी स्कूलों में रहने का इंतजाम कर रही है सरकार। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के हर नागरिक के लिए सम्मानजनक व्यवस्था देना हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर में लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं जो खतरनाक है। ऐसे में पलायन को रोकने के लिए लॉकडाउन के नियम को सख्ती से लागू करना होगा। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां है वहीं रहे। अगर हमें कोरोना रोकना है तो इसे सख्ती से साथ लागू करना होगा। इसी बीच साथ ही अरविंद केजरीवाल ने लोगों को गीता पढ़ने की भी सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल, इस समय अपने घर पर रहना ही देशभक्ति है। अभी 18 दिन बचे हैं लॉकडाउन के। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं जो मेरे परिवार ने शुरू किया है। गीता के 18 अध्याय हैं। रोज एक अध्याय पढ़ना सिर्फ आधा घंटा लगता है। बता दें कि देश भर में करीब 1000 से ज़्यादा, टोटल मिलाकर 1037 मामले सामने आ चुके हैं। देश के 27 राज्यों में कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ गया है, इनमें से महाराष्ट्र सबसे आगे है। शहर की बात करें तो पूरे देश में मुंबई नंबर 1 पर है। मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटों में 15 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ आज राजधानी में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए हैं जिनसे संख्या बढ़कर 72 हो गई है। तो गाइस, आपको दिल्ली के सीएम का ये बयान कैसा लगा जो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार देगी किराएदारों का किराएदार, मकान मालिक उन पर दबाव ना डाले, और जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए स्कूल सरकारी स्कूलों में इंतजाम की बात उन्होंने कही है। तो ये कदम आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास साफ सुथरा रखिएगा, और अपना हमेशा आप साबुन से ही हाथ धोनेगा और अपने चेहरे को ज़्यादा ना छुए। तो बस यही कामना करते हैं हम और दुआ करते हैं हर कोई स्वस्थ रहे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद एंड टेक केयर, गुड बाय।